भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सफलता कामयाबी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं है, यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो सफलता केवल जन्म से नहीं मिला करती है। ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, ये कर्म सिद्ध अधिकार है। जो कर्म करता है उसे सफलता की प्राप्ति हुआ करती है। करना पड़े नाकामियां के पीछे जो नाकामयाब लोग हो जाते हैं उसके पीछे कुछ चूक रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में असफलता को प्राप्त होता है। लेकिन नादान होते हैं वो लोग जो असफल होते हैं, वो अपनी कमियों को और अपनी गलतियों को तो नहीं देखते बल्कि अपनी किस्मत पर उस बात को डाल दिया करते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज तुम्हारी किस्मत में है। क्या नहीं पा सकते? तुलसीदास ने कहा है, शकल पदार्थ या जगमाही कर्म हीन नर पावत नाही। रिपीट हो रही आवाज। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी को प्राप्त ना हो सके। शकल पदार्थ या जगमाही कर्म हीन नर पावत नाही। ध्यान रखिए, जो कर्म से हीन होते हैं उन्हें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हुआ करती। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में लोग आते हैं तो सच्ची मेहनत नहीं करते, कड़क मेहनत नहीं करते। करते हैं मेरे भाई, फिर भी सफलता नहीं मिला करती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। एक वो है जो मेहनत कम करते हैं और सफलता ज्यादा मिलती है, एक वो लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं सफलता कम मिलती है, एक वो लोग हैं जो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ। कितनी मेहनत करो यश नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, क्या वजह है? आप क्या सोचते हैं? आपका अच्छा करियर बने उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बच्चे से मैंने पूछा कि अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मान्यवर, बहुत से लोग इसी में असफल हो जाते हैं कि कड़ी मेहनत से अच्छा भविष्य बनता है, अच्छी सफलता मिलती है। शायद इसमें थोड़ा सा मैं असहमत हूं, पूर्णतः सहमत नहीं हूं। कड़ी मेहनत तो एक पत्थर तोड़ने वाला भी करता है, कड़ी मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, कड़ी मेहनत तो वो भी करता है जो सिर पर ईंट पत्थर ढोता है, कड़ी मेहनत तो एक गधा भी करता है तो कभी घोड़ा बनता है क्या मेरे भाई? ध्यान रखिए, इस गलत फहमी में मत रहो कि कड़ी मेहनत करने से जिंदगी में सफलताएं मिला करती हैं। कड़ी मेहनत से सफलता मिल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जहां तक आप देखिए, विचार करना, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, क्या मिलता है उसे? 400 500 रुपए दिन, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता होगा। एक कारीगर, एक मजदूर, एक मकान बनाने वाला रात दिन मेहनत करके मकान बनाता है, उसे उतना पैसा नहीं मिलता है। एक आदमी कागज पे मकान बनाता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ध्यान रखिए, वो इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो कर रहा है। कागज पे पेंसिल से यदि आपने मकान बना दिया, नक्शा बना दिया और आर्किटेक्ट ने बना के आपको दे दिया, वो कितने कमाएगा? शायद मुझे मालूम है 10% तो लेते ही होगा एक डिजाइन करने का, निर्माण का। मजदूर को कितना परसेंट मिलता है? ध्यान रख, मेहनत मजदूर ज्यादा करता है, पैसा कागज में जो बनाता है उसे ज्यादा मिलता है। मान्यवर, आप सोचिए, यदि कड़ी मेहनत से सब कुछ मिल जाए तो हर आदमी दुनिया में अमीर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक बार क्या हुआ, कोई आदमी यहां गया महाबलेश्वर घूमने,
आया होगा मेरे सत्संग में और बोले चलो अब इतनी दूर से आए हैं तो पूना से हैं तो वो भी देख आते हैं। जैसे ही महाबलेश्वर घूमने को गया, गाड़ी लेकर के गया, रास्ते में उसने बताया गाड़ी खराब हो गई, जंगल में गाड़ी खड़ी है, बहुत बुरी परिस्थिति है। जब आदमी घर से गाड़ी लेके चलता है तो ऐसा चलता कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन जब जंगल में खराब हो जाए तब पता पड़ता है कि वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका, गधे को भी काका बोल, मेरे बाप तू कुछ भी कर इसको सही कर दे। मुसीबत के दिनों में आदमी को अपनी औकात पता चला करती है। परेशान हो गया कि अब इस गाड़ी को ठीक करेगा कौन, जंगल में गाड़ी खड़ी हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने यहां वहां देखा, 3 किलोमीटर पैदल गया, कोई मिल जाए इस गाड़ी को सुधारने वाला। एक दूर जंगल में एक छोटे से गांव में एक मैकेनिक था, उसने कहा भाई मेरी गाड़ी, बोले मैं 3 किलोमीटर ने, अरे बोले तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, जितना पैसा लेगा उतना दूंगा, तू चल के मेरी गाड़ी सही कर दे। उसने कहा चलो पैसा पूरा लगेगा, बोले पैसा पूरा दूंगा, तू चल के मेरी गाड़ी सही कर। गया, उसने बोनट खोला, गाड़ी को आगे पीछे देखा, उसने कहा क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही। बोले नहीं नहीं जान, चलते ही चलते ये गाड़ी रुक गई। उसने कुछ नहीं किया, मालूम है उसने एक हथौड़ा उठाया और बोनट पे किसी जगह इतनी जोर से हथौड़ा मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसने कहा ला मेरे पैसे 2000 रुपए। अरे उसने कहा 2000 रुपए, ये हथौड़ा मारने का 2000 रुपए ले लिया है, ना तूने इसमें कोई मटेरियल लगाया है, ना कोई सामान लगाया है, एक हथौड़ा मारा है, 2000 मांग रहा है। उसने कहा बाबूजी 2000 रुपए तो लगेंगे, मैंने कहा था पूरा पैसा लूंगा। अरे बोले जायज पैसा ले, ये क्या एक हथौड़ा मारने का तू 2000 रुपए मांग रहा है। उसने कहा बाबूजी यदि ऐसी बात है, हथौड़ा मारने का 2000 ज्यादा लग रहा है तो हथौड़ा तुम ले लेते हो, तुम ही मार देते, पता चल जाता कि कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है। ध्यान रखिए मान्यवर, पैसा हथौड़ा मारने का नहीं है, पैसा हथौड़ा कहां मारने का है इसके पैसा हुआ करता है। मेहनत, ध्यान रखना, हथौड़ा मारने से कामयाबी नहीं मिलती है। कोई आदमी उठाए और मार दे हथौड़ा तो चलती गाड़ी बंद हो जाएगी मेरे भाई, हथौड़ा कहां मारना है इसका पैसा मिला करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचना है आपको, सफलता जीवन में कैसे मिलेगी, आपका अच्छा करियर कैसे बनेगा, अच्छा भविष्य कैसे बनेगा, मेहनत से नहीं बनता है। ध्यान रखना, मेहनत किस दिशा में कर रहे हो ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत इस दिशा में कर रहे हैं और सफलता इस दिशा में हमारा इंतजार कर रही है। अरे इस दिशा में कितनी भी मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यदि डायरेक्शन सही नहीं है तो जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ करती हैं, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती हैं, वो आदमी अपने करियर को कभी बना नहीं सकता है। सही दिशा होना चाहिए। आज युवा के पास गति है, दिशा नहीं है। आज के बच्चों के पास गति है, वह बहुत कुछ करना चाहता है पर उसके पास दिशा नहीं है। दिशा होना बहुत जरूरी है। आपको जाना बंबई है, ट्रेन में बैठे हो आप दिल्ली की तरफ मुंह करके, कितनी भी ट्रेन चले कितनी भी फास्ट चले आपको बंबई मिलने वाली नहीं। दिशा का जीवन में बहुत महत्व हुआ करता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव से मैं आपको मेहनत करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कहीं कह रहा हूं कि आप कठिन मेहनत करो, मैं तो केवल एक दिशा बोध आपको कराता हूं कि आप दिशा प्राप्त करिए, जीवन जीने की दिशा प्राप्त करिए, जीवन को कैसे जीना है उसकी दिशा प्राप्त करिए। दिशा सही होगी तो सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, दिशा गलत है आज हमारे युवाओं की, दिशा गलत है आज हमारे परिवारों में, हम सही दिशा उनको दे नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, आप बताइए स्कूल में जो बच्चा फेल होता है तो मेहनत करता है या नहीं करता है? ऐसा तो नहीं है कि पास होने वाले नहीं मेहनत की है। जो सीए के कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं जाते हैं मेहनत नहीं करते हैं, एक नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते, फिर लौट के आते फिर मेहनत करते, बार बार मेहनत करते हैं। मान्यवर मैं सोचता हूं
कि असफल आदमी मेहनत नहीं करता, ऐसा नहीं है। अरे जितना पास होने वाला मेहनत करता है, उतनी ही फेल होने वाले भी जीवन में मेहनत किया करता है। अकेली मेहनत से कुछ नहीं होता जीवन में, ध्यान रखना। थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को दिशा बोध देना पड़ेगा। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सीए के कई बार एग्जाम दे चुका हूं, फेल हो जाता हूं। आपको सोचना, विचार करना है, मैं करूं क्या? मैं 5 बार एग्जाम दे चुका हूं, सफल नहीं हो पा रहा हूं मैं। और कई लोग ऐसे हैं जो एक बार में ही हो जाते हैं क्लियर, 5 बार हो गए, मैं क्या करूं? मान्यवर सोचिए, आपको सोचना है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में आप चल रहे हैं। एक बच्चे को अपना करियर बनाना है, मैंने उससे पूछा तू कैसे बनाएगा, तुम कैसे सोचते हो कि हमें भविष्य में क्या बनना है? बोले महाराज बचपन से ही माँ बाप हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आईटी में जाना है, तुझे सीए करना है, तुझे एमबीए करना है, बचपन से ये डाल दिया जाता है। तो हमारे मन में भी धीरे धीरे हो जाता कि हम भी एमबीए करेंगे, हम भी आईटी में जाएंगे, हम भी पढ़ाई करेंगे, ये माँ बाप ने डाल दिया। थोड़ा बहुत क्या होता है, वो दोस्तों के साथ रह करके आ जाता है, वो बन रहा है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी बनूंगा, वो आईटी में गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं भी जाऊंगा। मान्यवर ये गलत बात, ध्यान रखिए, अपने जिंदगी अपना भविष्य बनाना है, दूसरों के द्वारा अपना भविष्य नहीं बना करता है। आपसे एक बार निवेदन कर रहा हूं कि आपको यदि कुछ बनना है जीवन में, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर की रुचि देखना पड़ेगी, अपनी पावर देखना पड़ेगी, अपनी शक्ति देखना पड़ेगी। किसी ने कह दिया सीए बन जाओ तो हम बनने को चले गए, किसी ने कह दिया डॉक्टर बन जाओ हम बनने के लिए तैयार हो गए। होता क्या है मालूम है, जब पूछा जाता है क्यों क्या कर रहा है, बोले मैं आईटी में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अरे तैयारी कर लेगा तू इतनी मेहनत? अरे क्यों नहीं कर लूंगा, कर लूंगा, कहता तो इतनी आसानी से है, लेकिन जब वापिस लौटता है हारता है, पूछो क्या हुआ, तू तो कह रहा था मैं सब कुछ कर लूंगा, अरे वो कर तो मैं सब लेता, थोड़ा लक ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दी। मान्यवर यहां किस्मत क्या करेगी उसकी जिंदगी में, मान्यवर सोचना है आपको। आपसे भी मेरा निवेदन है, केवल बच्चे ही इसे अपनी जिंदगी की तरफ ना मोड़े, अपने आप को भी अपना भविष्य बना, आपका भी तो भविष्य है, आप भी अपनी जिंदगी में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। विचार करिए आप, लाखों लोग कंपटीशन में बैठते हैं, सिलेक्ट कितने होते हैं, कितने परसेंट, 1%, 2%, इससे ज्यादा तो नहीं होते हैं ना, विचार करिए। लेकिन जो जो लाखों लोग उस कंपटीशन में शामिल होते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन में लाखों लोग आते हैं, लाखों में होना तो 1-2% लोगों का ये, सबका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन हर बच्चा ये सोचता है कि मेरा तो जरूर होगा और मैं हो जाऊंगा, लेकिन जब वो आकर के बैठता है, जब एग्जाम देता है, रिजल्ट आता है, असफलताएं उसके जीवन में हाथ लगा करती हैं। ये देखकर लोगों से समझ के आपने यदि जीवन का लक्ष्य बना लिया, आप जीवन में फेल हो जाएंगे, ध्यान रखिए। मान्यवर किसी बच्चे से ये पूछना, यदि तुम्हारा बेटा कहे कि मैं आईटी में जाऊंगा, मैं सीए करूंगा, मैं बड़ी से बड़ी आईएएस आईपीएस रैंक की परीक्षाएं दूंगा, पहले उस बच्चे से पूछना क्या तू 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने को तैयार है। देखो शुरू का जज्बात होना अलग चीज है और उसे क्रियान्वित करना अलग चीज है। चलो मान लो वो पढ़ भी लेगा तो भी जरूरी नहीं है कि उसको सफलताएं प्राप्त हो जाएं उसके जीवन में। मान्यवर आपको पहले अपना देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर पावर कितनी है, ध्यान रखिए। भाग रहा है, लोग भाग रहे हैं, वो बन रहा है तो हम भी बनेंगे, वो बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते, माँ बाप भी कह रहे कि जाओ तुम क्यों नहीं बन सकते, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। अरे मेरे भाई इतना ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 1 घंटे में याद हो जाता है कुछ चैप्टर स्कूल का, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 1 घंटे में याद होता है। उस समय बच्चों को सिखाओ, आप अपने आप को देखो, क्या मैं 1 घंटे में याद कर सकता हूं? क्या आपको 2 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, कितना लगता है?
यदि आपको 6 घंटे लगते हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो 1 घंटे में याद कर लेते हैं, अब बताइए 6 घंटे वाला 1 घंटे से कितनी प्रतिस्पर्धा करेगा, कितना आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, कितना आगे, कितनी मेहनत करेगा वो। मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए, यदि लोग 1 घंटे में याद करते हैं और तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, यदि तुम में आधे घंटे में याद करने की शक्ति आती है, और ये शक्ति अपने आप नहीं आती है, एक प्रोसेस है, एक साधना है, एक तपस्या है। धीरे धीरे जिस बच्चे को 1 घंटे में एक चैप्टर याद हो रहा है ना, उसने 1 दिन में ये सब नहीं कर लिया है, 5-5, 10-10 साल की प्रैक्टिस होती है तब जाकर उसकी मेमोरी शार्प हुआ करती। अब आप सोच कैसे लड़ेंगे आप उससे, कैसे उससे कंपटीशन में आगे निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, जब तक अपनी पावर, अपनी शक्ति और अपनी रुचि पर ध्यान ना दो, लाख मेहनत करना, जीवन में कभी भी सफलताएं मिलने वाली नहीं है। जीवन में ऊंचा हर व्यक्ति सीए बन जाएगा तो फिर दुनिया चलेगी कैसे मेरे भाई। मान्यवर मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, जो लाखों लोग बैठते हैं और कंपटीशन होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि होती है उनका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग, और यदि हमारा नहीं है तो लाख मेहनत करो आपको सफलताएं मिलने वाली नहीं है। जीवन में ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, यदि बच्चा असफल हो गया तो आप क्या कहेंगे उसे कि तू ढंग से नहीं पढ़ता है, तू मेहनत नहीं करता है, देख बाजू वाले का बच्चा कितने जल्दी तरक्की कर रहा है। बाजू वाले के उदाहरण से तुम्हारा बच्चा कैसे सुधर सकता है, तुम्हारे बच्चे में दिमाग कैसे आ सकता है। मान्यवर मेरा एक भक्त था, अभी भी है, उसने बहुत मेहनत की डॉक्टर बनने के लिए, सफलता नहीं मिली उसको, पीएमटी के एग्जाम दिए, कॉम्पिटिशन में गया, सफलता नहीं मिली उसे, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की। जब आदमी बहुत मेहनत और पढ़ाई करता है और बार बार असफलता होती है ना, तो नेगेटिव विचारधारा जीवन में प्रकट हो जाया करती है, आदमी निराश हो जाया करता है, नकारात्मक सोच उसके अंदर आ जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी सोचता है अब ये दुनिया जीने लायक, बड़ा निराश हो गया वो। बोले महाराज मेरे माँ बाप ने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैंने भी सपना देख लिया था मैं डॉक्टर बनूं, बहुत प्रयास किया नहीं बन पाया महाराज, अब मैं करूं तो क्या करूं। मैंने कहा कुछ और कर ले। बोले ऐसे कैसे कर लूं, बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा। कितनी बार असफल हो गया वो लड़का, निराशा की आगोश में चला गया वो लड़का। बोले बहुत मेहनत करता हूं महाराज। वो आया किस लिए था मालूम है, कोई मंत्र दे दो, कुछ कर दो, घुमा दो डंडा अंडा, कोई नारियल मारियल पकड़ा दो मुझे। इनका पागल हो गया है तो ये, मेरा इन चीजों पे रत्ती भर विश्वास नहीं है, ध्यान रखना, इसे कैसे हो जाएगा कुछ पकड़ा देने से। मान्यवर बोले महाराज कुछ करिए। मैंने कहा मेरे पास ना मंत्र है, ना तावीज है, ना गंडा है, ना मेरे पास यंत्र है, ना मैं कुछ फूंक फांक करता हूं, ध्यान रखना, लेकिन हाँ एक सलाह है, यदि मान ले तो मैं उचित सलाह दे सकता हूं, उचित लगे तो स्वीकार करना, ना लगे तो तेरी मर्जी। मैंने कहा तू डॉक्टर बनना चाहता है, मैंने कहा, बोले हाँ। MBBS करना चाहता है, बोले हाँ। कितनी बार प्रयास कर लिया, बोले 4-5 बार, सफलता नहीं मिल रही है। मैंने कहा एक बात याद, तेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हौसले तो बुलंद है, जज्बात तो बुलंद है, लेकिन पावर नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन मुझे तो बनना है। मैंने कहा एक काम कर, मैं ज्यादा तो जानता नहीं, मैं साधु संत आदमी। मैंने कहा तुझे इसी लाइन में जाना है, इलाज में जाना है, ट्रीटमेंट में जाना है। मैंने कहा तू ऐसी जगह मेहनत कर रहा है जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ऐसी जगह मेहनत कर जहां कंपटीशन बहुत कम हो, हो सकता है वहां तुझे सफलता की प्राप्ति हो जाए, वहां तू सक्सेस हो जाए। उसने कहा मैं क्या करूं,
मैंने कहा नहीं बन रहा, MBBS नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं है, आजकल फिजियोथेरेपी चल रही ना, जबरदस्त चल रही है, ध्यान रख। कोई बहुत बड़ा कंपटीशन भी नहीं है उसमें, कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता की बात भी नहीं है उसमें। मैंने कहा वो करने लग। बोले महाराज मैं कैसे करूंगा, मेरा इज्जत। अरे मैंने कहा इज्जत क्या होती है, कोई भी चीज कोई भी क्षेत्र मान्यवर ध्यान रखिए, इज्जत डिग्रियों से नहीं होती है, इज्जत टैलेंट से मिला करती है आदमी को, योग्यता से इज्जत मिला करती है, सम्मान मिला करता है आदमी को, डिग्रियों से थोड़ी इज्जत मिलती है। मैंने कहा एक काम कर, मेरा कहना मान ले। मान्यवर उस लड़के ने हार कर फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, पढ़ाई की। दो चार पांच साल बाद मैं उस नगर में पहुंचा और अचानक मेरी गर्दन में दर्द हो गया। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर आए, बोले तो फिजियोथेरेपी वाला ही इसको सही कर सकता है। तो मैंने कहा भाई किसको बुलाऊं, एक लड़के को बुलवाया कि एक नया नया आया है उससे आप कराइए। जब वो आया मैं देख करके हैरान रह गया। मैंने कहा तू तो मुझे लगता है कि वही लड़का है जो कभी MBBS के लिए तड़प रहा था, भाग रहा था। बोले महाराज उसने मेरे चरण छुए। बोले महाराज यदि आप नहीं होते तो हो सकता है मैं इतने निराशा में चला गया था कि मैं आत्महत्या कर लेता, जीवन खत्म कर लेता। आपने मुझे दिशा दी, आपने मुझे बोध दिया। मैंने कहा क्या करता बेटा। बोले महाराज जितनी मेहनत वहां करता था उससे कम मेहनत में मैं आज फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। मैंने कहा कितना कमाता है। अरे एक सीट के ये लोग एक एक बार के 500 600 700 रुपए तो ले लिया करते हैं, ध्यान रखिए। मैंने कहा एक दिन में कितना करता है। बोले 8-10 तो ग्राहक मिल ही जाते हैं मुझे जिंदगी में, एक दिन में 8-10, इसका मतलब 4,000 से 5,000 रुपए महीने नहीं दिन में कमाता है। महीने में तो लाख 1.5 लाख का मालिक बन गया। मैंने कहा सोच, उसके पीछे पड़ा रहता तो शायद जिंदगी में तो कुछ भी नहीं कर पाता। ध्यान रखिए मान्यवर, अपने भीतर की योग्यता को देखने का प्रयास करिए। मैं पुलक सागर, ध्यान रखना, जीवन में सफलताएं अच्छा कैरियर बनता है तो हार्ड वर्क से नहीं बनता है। ध्यान रखिए हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क और होता है, ध्यान रखना। आप हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, स्मार्ट वर्क को छोड़ दिया करते हैं। स्मार्ट वर्क का अर्थ होता है तुम्हारी रुचि किसमें है, तुम्हारी लगन किसमें है, तुम्हारी योग्यता किसमें है, तुम्हें किससे लगन से काम करते हो। डॉक्टर बनना हार्ड वर्क हो सकता है लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट बनना स्मार्ट वर्क। सेवा ही करना है ना, इलाज ही करना है ना, क्या जरूरी है वो प्लस लगा के ही इलाज करो। ध्यान रखिए डॉक्टर का निशान मालूम है क्या होता है, रेड क्रॉस। मालूम इसका मतलब क्या होता है, रेड क्रॉस का मतलब होता है प्लस। डॉक्टर हर चीज में प्लस, पेशेंट मरे तो प्लस, पेशेंट जिए तो प्लस। ध्यान रखना माइनस में तो वो कभी होता ही नहीं है, जिए या मरे वो तो प्लस में है। करेगा क्या, मेहनत करेगा, ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा, निकलने के बाद कहेगा I am sorry हम कुछ नहीं कर सके। कर क्या रहा था तू अंदर, तूने तो दो शब्द बोल दिया I am sorry हम कुछ नहीं कर सके, तो फिर तू कर क्या रहा था भीतर। बोले अपन तो हर सके प्लस। मान ले डॉक्टर को बोला जाता है हमारे यहाँ, डॉक्टर यानी भगवान का रूप, डॉक्टर यानी भगवान का प्रतिनिधि। पूना वालों भगवान होता है डॉक्टर। अब जब भी बीमारी हो इलाज कराने जाओ तो ये मत सोचना डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा, ध्यान रखना। ये मत सोचना डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये सोचना कि हम भगवान के। और एक बात और याद रखना, भगवान जब नाराज होता है, भगवान जब नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और डॉक्टर जब नाराज होता है, कौन बोला भगवान के पास भेजता है। ध्यान रखिए ये व्यवस्थाएं देखो, डॉक्टर नाराज हुआ सीधा भगवान के पास भेज देगा। एक आदमी ऑपरेशन कराने गया, पसीने में लतर बतर हो गया, डॉक्टर ने पूछा क्यों रे घबरा क्यों ना है, पसीना क्यों आ रहा है। बोले डॉक्टर साहब
पहली बार ऑपरेशन करा रहा हूं। डॉक्टर बोला, पागल इतना क्यों घबरा रहा है, मैं भी पहली बार, मैं तो नहीं घबरा रहा, तू क्यों घबरा रहा है। बोले, तू कर रहा है, मेरा हो रहा है। इतने में देखा कि एक नर्स माला लिए खड़ी थी। उस पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर साहब ये माला क्यों लिए है। बोले, बेटा सफल हो गया तो मेरे गले में पड़ेगी। समझ गए क्या, असफल हुआ तो तेरे काम आएगी। डॉक्टर हमेशा प्लस ध्यान रखी। मान्यवाद, सोचिए जिंदगी ऐसी ही है। एक सफलता के पीछे इतना मत भागो। सफल होने की हमारे अंदर पात्रता भी होना बहुत जरूरी है। लोग मुझसे यदि बोले, ध्यान रखना साधु संत बहुत होते हैं दुनिया में, मैं सबसे ज्यादा महत्व हार्ड वर्क को नहीं स्मार्ट वर्क को दिया करता हूं। ध्यान रखना, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। मुझसे कोई बोले कि मंत्र तंत्र करो तो ये मेरे लिए बहुत हार्ड वर्क है भाई। ध्यान रखना, ये सब मैं नहीं कर सकता हूं, फू फा हूं फट स्वाहा, ये मेरे बस का बात नहीं। ध्यान, कोई मुझसे बोले कि आप ये मंत्र तंत्र करो, मंत्र तंत्र मेरे लिए हार्ड वर्क है, मैं क्यों मेहनत करूं। ध्यान रखना, कोई बोले उपवास करो, हार्ड वर्क अपने बस का नहीं है। एक टाइम खाना, भगवान महावीर ने कहा है बेटा मुनि बनने के बाद एक टाइम खाना, डंके की चोट पे खाना कोई जरूरी नहीं है उपास करना। ध्यान रखिए, उपास मेरे लिए हार्ड वर्क है। हाँ, आचार्य सन्मति सागर जी लिख रही स्मार्ट वर्क, ध्यान रखना। वो तपस्वी सम्राट थे, उनके लिए प्रसन्न सागर जी महाराज स्मार्ट वर्क, ध्यान रख, मेरे लिए तो हार्ड वर्क है। ध्यान रखना, मैं नहीं कर सकता हूं। मानने वाले, सोचना है, जीवन की ऊंचाइयां पाना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग उपास करते हैं तो मैं भी उपास करने लगूं, कोई साधु मंत्र तंत्र करता है तो मैं भी मंत्र तंत्र करते रहूं, और यदि करूंगा मेरे लिए हार्ड वर्क हो जाएगा। पुलक सागर केवल प्रवचन कर सकता है। मैं जब दीक्षा लिया तो बोले, महाराज तुम क्या करोगे, ज्योतिष करोगे। मैंने कहा, हार्ड वर्क नहीं, अपने बस का नहीं है, वास्तु करोगे, हार्ड वर्क। ध्यान रखना, यदि मैं हार्ड वर्क में रख जाता तो आज पूना में चौमासा नहीं हो रहा होता, कहीं और में असफल ही होता। ध्यान रखना, नहीं ये अपने बस का नहीं है। सुजाता बहन, इतनी लंबी लंबी शांति धारा अपने से नहीं होने वाली है। एक एक घंटे शांति धारा, एक घंटे की शांति धारा में तो मुझे ही अशांति होने लगेगी। ध्यान, बड़ा मामला गड़बड़, इतना अपने बस का नहीं है। लोग कहें कि मैं रोज विधान कराऊं, अब रोज विधान कराऊं तो मेरा संविधान बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना, जिसमें रुचि हो वो काम करो, जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। प्रवचन मेरा रुचि का विषय है, पढ़ना लिखना मेरा रुचि का विषय है, किताबें मेरी रुचि की विषय है। एक बात ध्यान रखना, वही काम एक के लिए स्मार्ट वर्क हो सकता है, वही काम एक के लिए हार्ड वर्क हो सकता है। आदमी को अपना कैरियर बनाना है तो कैरियर बनाने के लिए हार्ड वर्क से कैरियर नहीं बनता है, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट कैरियर तुम्हारे सामने होगा। ध्यान रखिए, रुचि होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अब मेरी लगन नहीं, फिर भी लोग आ जाते हैं।